हाय गाइस, जो 17 अप्रैल को आयल्स का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसकी प्रेडिक्शन बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करें लिसनिंग की, तो लिसनिंग में पार्ट वन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, जैसे फॉर्म कंप्लीशन। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत इजी सेक्शन होगा। पार्ट टू में आपको स्मॉल एमसीक्यूज और मैप देखने को मिल सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा मैप थोड़ा सा मॉडरेट होगा। ओवरऑल ये पार्ट आपको ईजी टू मॉडरेट होगा। पार्ट थ्री में आपको लार्ज एमसीक्यूज होंगे, लेकिन थोड़ी सी आपकी ऑडियो भी फास्ट चल सकती है, तो आपको बिल्कुल ध्यान बना के रखना है। थोड़ा सा पार्ट थ्री ये हो मॉडरेट होगा। पार्ट फोर में आप फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग्स आ सकती हैं, इसमें आपको बिल्कुल ध्यान बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो ऑडियो होगी बिल्कुल फास्ट चलेगी, तो ये थोड़ा सा मॉडरेट होगा आपको, तो आपको बिल्कुल ध्यान बना के चलना है। ओवरऑल जो आपकी लिसनिंग है वो ईजी टू मॉडरेट आएगी। इसके बाद बात करें रीडिंग की, तो रीडिंग में आपको पैसेज वन में मैचअप्स चूज फ्रॉम द करेक्ट ऑप्शंस, लाइक विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ऐसे वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये पैसेज थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट होगा। और पैसेज टू में आपको येस नो नॉट गिवन या ट्रू फॉल्स और लिस्ट ऑफ द हेडिंग्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ये भी पैसेज थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट होगा। और पैसेज थ्री में आपको फिलिप्स एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसा कुछ मिल सकता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, थोड़ा सा मॉडरेट होगा। तो आप इसमें क्या स्ट्रेटेजी बना के चल सकते हो कि आप पहले पैसेज के नाम रीड करो, जिसमें आपको लगे कि यार ये थोड़ा सा इजी है, तीनों में से एक ही लुक में आपको पता चल जाता है। कुछ पैसेज ऐसे होते हैं हिस्ट्री रिलेटेड होते हैं तो थोड़े से टफ होंगे, तो कुछ साइंस रिलेटेड होंगे और कुछ हमारे इन्वायरमेंट रिलेटेड होंगे, तो ऐसे वाले पैसेज थोड़े से ईजी होते हैं। ट्राई करो कि उनको पहले अटैम्प्ट करो, जो ईजी वाले क्वेश्चन होते हैं या ईजी वाले पैसेज होते हैं उनको पहले अटैम्प्ट किया करो। ट्राई करो करो कि जो क्वेश्चन आपको इजी लग रहे हैं पहले वो अटेम्प्ट करो, और जो क्वेश्चन टफ लग रहे हैं उसको स्किप कर दो, उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना, थोड़ा सा स्किम एंड स्कैन की टेक्निक आपको अपनानी पड़ेगी। तो पैसेज थ्री में और लास्ट में आप क्या कर सकते हो, बाद में जब आपके पास 3-4 मिनट बाकी लास्ट में रहते हैं तो आप गैस वर्क लगा सकते हो और क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आना। ये पैसेज आपका थर्ड पैसेज थोड़ा सा मॉडरेट होगा। ओवरऑल आपकी जो रीडिंग होगी वो ईजी टू मॉडरेट होगी। टॉकिंग अबाउट योर राइटिंग, राइटिंग में आपको टास्क वन वो लाइन बारग्राफ मैप और टेबल आ सकते हैं, बहुत ईजी वाले होंगे, मैक्सिमम आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। और टास्क टू में इस बार क्वेश्चन आपको पॉलिटिक्स रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, एजुकेशन साइंस सोसाइटी रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत मॉडरेट क्वेश्चन होंगे। तो इसमें आपको बोथ व्यू टाइप देखने को मिल सकती हैं या एग्री डिसएग्री टाइप। स्ट्रैटेजी वही है कि आपको 2 या 3 बार स्टेटमेंट को पढ़ना है ध्यान से, उसमें अंडरलाइन करना है कि वो क्वेश्चन में जो एग्जामिनर है क्या पूछना क्या चाहता है, और उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि इसमें कितने वीपी बनेंगे, किस वीपी में क्या लिखना है। तो सबसे पहले आपको 5-6 मिनट की प्लानिंग बनानी है कि प्लानिंग में इसमें आपने क्या करना है कि आपने ये फाइंड आउट करना है कि आपने पॉइंट्स कौन से लिखने हैं, उसके 1 या 2 वर्ड्स आपने क्वेश्चन बुकलेट पे आप लिख सकते हो। उसके बाद जब आपके पास प्लानिंग होगी तो आप आराम से 20-25 मिनट्स में आप पैसेज कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर ऐसे स्ट्रेटजी बना के चलोगे तो आपका इजी हो जाएगा। और लास्ट में आपको 3-4 मिनट आपके अपने पास बचने चाहिए ताकि आप प्रूफ रीड कर सको, क्योंकि खुद जब प्रूफ रीड करते हो तो मैक्सिमम हमें 2-3 मिस्टेक्स मिल जाती हैं, वही एक आध बैंड बढ़ाने के लिए काफ़ी होती हैं। लास्ट में आता है आपका स्पीकिंग क्यू कार्ड्स। स्पीकिंग में आपको पता ही है, स्पीकिंग में पार्ट वन तो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं इंट्रोडक्शन के, या छोटे मोटे और क्वेश्चन होते हैं वो उनकी तो आपने PDFs में से आपने प्रैक्टिस की होगी। और पार्ट थ्री में भी आपको पता ही है कि जो क्यू कार्ड आता है उसके साथ में क्वेश्चन होते हैं नीचे दिए हुए फॉलोअप्स, प्लस थोड़े बहुत तो इधर उधर से भी पूछ सकते हैं। तो मेन इसमें टारगेट है वो हमारा क्या होना चाहिए स्पीकिंग क्यू कार्ड्स में, जो फ्रेश अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं क्यू कार्ड्स, जैसे डिस्क्राइब अ लार्ज कंपनी यू आर इंटरेस्टेड इन, सेकंड डिस्क्राइब योर फेवरेट वेदर, थर्ड डिस्क्राइब अ फेमस पर्सन यू आर इंटरेस्टेड इन, फोर्थ डिस्क्राइब अ चाइल्डहुड टॉय यू लाइक द मोस्ट, एंड फिफ्थ डिस्क्राइब अ पार्ट ऑफ सिटी और अ टाउन यू लाइक टू स्पेंड टाइम इन। सो ये जो 4-5 क्यू कार्ड्स हैं इन पे आपको एक्स्ट्रा फोकस देना पड़ेगा, ये नहीं है कि बाकियों को इग्नोर करना है, बाकी भी करने हैं, लेकिन इन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और अगर आपको इनमें से डिफ़िकल्टी आ रही है कोई कि आप अपने पास यूनिक क्यू कार्ड आइडिया नहीं है, तो मैं ये क्यू कार्ड मैं इनके लिंक मैंने ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके उसकी वीडियो चेक कर सकते हो, आपको नया और यूनिक आइडिया मिलेगा। सो ओवरऑल आपकी स्पीकिंग ईजी है इस बार।
So this is all about IELTS prediction. Thanks for watching. Here are other two videos. You can watch them as well. And if you haven't yet subscribed my channel, please subscribe it and hit the bell icon for my upcoming videos. And share these all videos among your friends.